हंटर गेमिंग पूछ रहे हैं, कैन बटलर, कैन ही विल विन नॉइस ट्रॉफी। बटलर के बारे में सवाल है, क्या जॉन्स बटलर अपनी कप्तानी में कोई भी कप जीत सकता है? अभी ये बहुत टफ क्वेश्चन है, क्योंकि इसके जन्म कुंडली एक्यूरेट होते तो फिर भी एक हद तक समझा जा सकता है, बताया जा सकता है, लेकिन किसी भी प्लेयर के जन्म टाइम यहाँ नहीं है, जन्म कुंडली नहीं है, तो आप इस ढंग से प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। आप खेल खिलाड़ी को इंडिविजुअल प्रिडिक्शन करना बहुत टफ होता है। आप ये बोल सकते हो खिलाड़ी का ये टाइम अच्छा है, लेकिन वो कप ही जीती जाएगा, कई बार फाइनल में पहुंचने के बाद टीम हार जाती है। तो ये एक्यूरेट प्रिडिक्शन दूसरे तरीके से किया जा सकता है, केपी एस्ट्रोलॉजी में ही एक सिस्टम है, प्रश्न कुंडली से किया जा सकता है, लेकिन बटलर कोई सवाल करे वही आंसर मिलेगा। बटलर कोई सवाल करे, कृष्णमूर्ति पद्धति में सिस्टम है कि 1 से 249 तक कोई बंदा सवाल करता है, वो नंबर बताकर तब एक कुंडली बनती है, उस कुंडली के अनुसार ये प्रिडिक्शन किया सकता है। नंबर 1। नंबर 2 चीज़, टीम पर भी डिपेंड करता है, उस खेल के टाइम पर भी डिपेंड करता है। आप अगर खराब टाइम में बैटिंग कर रहे हो तो कप नहीं जीत सकते, भले आप फाइनल में पहुंच जाओ। इसलिए ये सवाल आपका बहुत टफ है। आप ये बोल सकते हो कि बटलर की कप्तानी कैसे है, तो बटलर की कप्तानी ठीक ठाक रहेगी, बहुत टॉप पर भी नहीं जाएगा और बहुत नीचे भी नहीं जाएगा, बहुत बैटिंग फॉर्म बहुत हाई भी नहीं रहेगी और बहुत ख़राब भी नहीं रहेगी। बटलर टॉप का कप्तानों में नहीं गिना जाएगा, एक एवरेज कप्तानों में गिना जाएगा, बिल्कुल फ्लॉप भी नहीं कहेंगे उसको, और एवरेज कप्तानों में गिना जाएगा। और चूंकि इसका शायद डेट ऑफ बर्थ 4 है, 13th आ रहा है, 4 नंबर आ रहा है, इसलिए ये बहुत लॉन्ग टर्म कैप्टन भी नहीं होगा। मेरे हिसाब से 2 साल से ज़्यादा कैप्टनशिप नहीं कर सकता है। अब 2 की जगह 3 भी हो जाए वो अलग बात है, लेकिन बहुत लंबा कैप्टन बटलर नहीं बनेगा। Oh,